झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ है, उनका प्रोपेगेंडा है, वो हिंदुओं को ये कपड़े पहनाकर ऐसा कर रहे हैं। आप 77 सालों की पॉलिटिक्स लेके बैठे हुए हैं कि जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, कश्मीर को वही चाहिए जो उनकी जरूरत है, इंडियन सरकार दे रही है। हमारी कश्मीर का आज तक मसला सस्ते आटे, अहमद बहुत नजदीक है। हाय 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 हाय, क्या बात है, कैसे बताओ, आपको कैसे पता? अच्छा इनिशिएटिव है इंडिया की तरफ से कि वो कश्मीर में इस तरह की डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पाकिस्तानी मीडिया तो हमें यही दिखाता है कि कश्मीर में वहाँ के मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं और वहाँ के लोगों पे जुल्म हो रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई पीएम ना आया ना कोई आएगा। कह रहे थे कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो 47 में आजाद हुआ, लेकिन मैं दावा से कहता हूँ कि हमारा जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को आजाद हुआ है। हमारे पास एक है कश्मीर का आजाद कश्मीर, लेकिन वो बहुत छोटा है। अब जम्मू कश्मीर जो है वो बहुत बड़ा है और इंडिया पहले से बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैं बोलूंगी कि वो लोग हमें जम्मू कश्मीर भी दे रहे हैं। ठीक है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो उनको इतनी फैसिलिटीज दे रहे हैं तो लाइक उनका ही है, तो बस ये नाड़ी लगा सकते हैं पाकिस्तानी आवाम, कड़ कुछ भी नहीं सकते। हम तो मार गए, हम तो खुदा की कसम इस हालात में पहुंच के हम मोदी का नारा लगाएंगे, हमें सलात में पहुंच गए, ये हुकूमत है। अब कश्मीर बिलखसूस श्रीनगर ई बसेस में सफर करने जा रहा है, और नाज़रीन मोहतरम ये SUFFER नहीं है, ये सफर है, आइए आप भी हमारे साथ सफर करें। देखिए यहाँ पे पाकिस्तान आजाद नहीं है, ठीक है, तो आजाद कश्मीर ने क्या आजाद होना है, सबसे मेन पॉइंट है। पाकिस्तान में देखिए आवाम भूखी मरी है, आटे की लाइनों में एक थैले के पीछे पाकिस्तानी एक थैले के पीछे मरे, और कितनी शर्मनाक बात है ये पाकिस्तानियों के लिए, तो फिर आजाद कश्मीर तो बहुत दूर की बात। कितनी डेवलपमेंट हो गई है ये बताइएगा। कोई डेवलपमेंट नहीं हो गई, उन पे जुल्म हो रहा है, ये सिर्फ झूठ दिखा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी श्रीनगर गए हुए थे और ये फर्स्ट दौरा उनका था, और वहां पर इतने मुस्लिम का क्राउड था, तकरीबन 2 लाख से ज्यादा मुसलमान वहां पर आए हुए थे सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। अब ये नजारा देख के पाकिस्तान में कितने पाकिस्तानी हार्ट अटैक से मर गए। एक तो मतलब इतना बोलते बोलते उसको इतना मिर्गी चढ़ गया कि वो बोलने लग गया कि जितने भी वो दो से ढाई लाख लोग आए थे मोदी को देखने के लिए, उसमें से एक भी मुसलमान नहीं थे। मोदी ने सभी हिंदू को नकली दाढ़ी लगवा दिया और औरतों को बुरखा पहनाकर वहां पर मीडिया के सामने दिखाया गया ताकि पाकिस्तान को दिखाया जाए और इंटरनेशनल पर दिखाया जाए कि कश्मीर के लोग हमारे साथ थे, और उसमें कोई कश्मीरी था ही नहीं, सबके सब हिंदू थे। और अभी आप देखेंगे कि एक वहां का बच्चा, पाकिस्तानी बच्चा, मतलब 7 से 8 साल उसकी उम्र है, उसके दिमाग में ऐसा पॉइजन भरा जा रहा है, उसकी बात सुन के तो एक तो आपको हंसी आएगी और दूसरी बात जब आप सुनेंगे तो आप देखेंगे कि उसके दिमाग में कैसे बचपन से ही जहर डाला जा रहा है कश्मीर के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में। पहले आप देखिए इस वीडियो को। ये बताओ कश्मीर के बारे में क्या जानते हो? कश्मीर के बारे में जानता हूँ कि जो हमारा जम्मू कश्मीर है ना, वहाँ पर हमारे से भी छोटी जो बच्ची है उनके ऊपर जुल्म हो रहा है और वहाँ कोई एक्शन नहीं लेगा। अच्छा, ये किसने बताया आपको? हमने वो देखा है। कैसे देखा आपने? हमारे उधर रिश्तेदार रहते हैं ना, तो इसलिए हमने वो देखा था कि वहाँ छोटे छोटे बच्चों की जाने जा रही है पर कोई एक्शन नहीं, औरतों के ऊपर हमला कर रहे हैं। कौन रहता वहाँ आपका? मेरी आंटी रहती है। वो बात करती है अभी आपसे? यस, अभी भी बात होती है। क्या कहती है वो? वो यही कहती हैं कि जल्द से जल्द कोई हुकूमत आए जो कश्मीर पे ना एक्शन ले। पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वहाँ रहती हैं या भारत के पास जो वहाँ रहती हैं? जो भारत के पास वहाँ रहती हैं वो बताती हैं ये। वो ये नहीं बताती कि वहाँ कितनी तरक्की हो रही है? बताती हैं। क्या तरक्की हो रही है वहाँ? तरक्की हो रही है पर तरक्की का फ़ायदा ही नहीं है वहाँ, जब छोटे छोटे बच्चों की जाने जा रही होती हैं वहाँ तरक्की का फ़ायदा। अगर बच्चों की जाने जा रही हैं ये आपको वो बताती हैं या हम आपको घर से सुनने को मिलता है? रियल में देखा है। आपने देखा है? जी। अच्छा, आपने देखा भी है? वो कश्मीर में जब औरतों के ऊपर हमला करते हैं उनको इतनी शर्म नहीं आती कि वो औरतें हैं। अच्छा, औरत जात पे हमला करते हैं तब भी वो ये नहीं देखते। अच्छा। जब किसी माँ का बच्चे के ऊपर हमला करते हैं वो ये नहीं देखते वो बाद में उसकी माँ पे क्या बीतेगी। इतना जहर आपके, आप छोटे से बच्चे हो, छठी क्लास में आप पढ़ते हो, इतना जहर आपके दिमाग में किसने भरा पहले मुझे ये बताओ? आ जाता है। आ जाता कैसे? आपने खुद देखा है बेटा ये सब? रियल में देखा है। आप गए हो कभी वहाँ? जी। कब गए हो? ये महीना हुआ है। महीना बेटा, वीजे तो बंद है, तुम कहाँ से गए थे? वो मामू तारों के नीचे से? नहीं, मामू वगैरह गए थे साथ। मामू वगैरह गए थे कहाँ? इंडिया गए थे? जी। इंडिया कैसे गए थे वो? उनको पता है। उनको पता है वो गए थे तो आप साथ गए थे?
जी मैं साथ गया था। क्या क्या देखा था वहाँ पे आपने? लाइव जुल्म देखा था कि मुसलमानों पर हो रहा है या नहीं? क्या हो रहा था बताओ? वहाँ पर लाइव जुल्म ये हो रहा था कि जब वहाँ पर ईद हो या बाहर रबी अव्वल हो या कुछ भी हो त्यौहार, वहाँ बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देते। शुक्र है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कश्मीर आए, हर हर मोदी के यहाँ नारे लग रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ है, उनका प्रोपेगेंडा है। वो हिंदुओं को ये कपड़े पहनाकर ऐसा कर रहे हैं, जैसे पहले उन्होंने बांग्लादेश की दफा किया था ऐसे ही दोबारा हमें धोखा दे रहे हैं। देखिए बांग्लादेश के बारे में अगर उन्होंने कुछ किया होता तो बांग्लादेश की आज नफरत हमें देखने को मिलती ना। बांग्लादेश तो हमें आज तक कबूल ही नहीं करता। इन्हीं का सारा काम है, ये मुक्ति बानी जो उठाई थी इन लोगों ने उठाई थी। जब ये बांग्लादेश किया था इसने खुद कहा था कि ये सब मैंने किया है। बांग्लादेशियों में खुद दिमाग नहीं था, बच्चे थे, इतने करोड़ की आबादी। कश्मीरियों के साथ क्या जुल्म किया आप भूल गए हैं? उनकी दिन दिहाड़े बच्चों को उठा के ले जाते हैं और माई के आगे उन्हें मारते हैं और चीखे पूरी गली को पूरे मोहल्ले को सुनाते हैं, उस पर भी हम कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन वहाँ से तो इन्वेस्टमेंट की खबरें सामने आ रही है, सामने आ रही। आप मीडिया भी हैं, उनका मीडिया जितना बड़ा झूठा और गद्दार मीडिया है, और गद्दार मोदी ने 6,000 मुसलमानों को गुजरात में कत्ल किया, ये अमेरिका में इस पे बैन था जाना। हम कैसी बातें कर रहे हैं कि माइनॉरिटीज को हकूक नहीं होने चाहिए? मतलब सिर्फ हम इंसान है, वो इंसान नहीं है? हिंदुओं के मंदिर बनेंगे आज, जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकूक दे आप, लेकिन उनके मंदिर तो ना बनाए। ये मदीना में हिंदू नहीं थे? मदीना में नॉन मुस्लिम नहीं थे? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुस्लिम थे, लेकिन आज हो क्या रहा है ये नहीं आप देख रहे हैं? देखिए माइनॉरिटीज कहीं पर भी हो उनको हकूक मिलने चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो कहीं पर भी हो। करें मस्जिदों के साथ क्या हो रहा है, तब नहीं उन्हें हकूक मिलने चाहिए? कहाँ की बात कर रहे हो आप? इंडिया में देखे ना, जो उन्होंने बाबर मस्जिद शहीद की है, दूसरी मस्जिदें शहीद की है, वो मुसलमानों के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं? तो ये गल्फ कंट्रीज को नजर क्यों नहीं आ रहा? उन्हें नहीं नजर आ रहा। आप 77 सालों के पॉलिटिक्स लेके बैठे हुए हैं कि जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है। सर दुनिया की सियासत अब इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट हो गई है, कश्मीर को वही चाहिए जो उनकी जरूरत है, इंडियन सरकार दे रही है। हमारे कश्मीर का आज तक मसला सस्ते आटे का। इंडिया सरकार भला क्या कहती है? हाँ मुझे एक उनके पास को इंडिया सरकार भला क्या कहती है? इंडिया सरकार भला क्या कहती है? इंडिया सरकार ये कहती है कि पाकिस्तान अपनी मौत आम मरेगा, पाकिस्तान अपनी मौत आम मरेगा। मैंने अब दुनिया के साथ मिलना है, मैंने उनके ऊपर छुरली पटाखा चला के मैं क्यों अपना नुकसान करूं? पाकिस्तान तो रुल गया, मैंने तो दुनिया के साथ जाना, मैंने तो पूरी दुनिया की जो जा रही है ना इस वक्त जंग मशीद के ऊपर जा रही है। कोई मैं कह रही हूं, हाँ। कोई पटाखा छुरली की सियासत नहीं, जंग जा रही, ठीक है? मिसाइलों की जंगे नहीं है, गोलियों की जंग, मशीद की जंग जा रही है, कौमें तबाह हो रही है कि मशीद के ऊपर हो रही है। अब देखे अमेरिका ने मना कर दिया कि गैस ली ईरान से तो बंद हो गई है। 18 अरब डॉलर का जुर्माना भरना है हमने। वो भरना है, वो देना है, किसने देना है? प्रोजेक्ट पूरा किया है। 11,650 रुपए बिल आ गया, मैं किराए पर रहता हूँ, लोगों को क्या पता? सारे लूट सूट करके पाकिस्तान का बरक गर करके तबाह करके सारा लंदन दुबई बेल्जियम दूसरे मुल्कों में इन्होंने फ्लैट बना दिए और आवाम को कहते हैं कि मरना जीना सारा बाहर। तो हमें कौमी तरानों के पीछे, हमें तरानों के पीछे और कश्मीर के पीछे लगा के खुद कौमी खजाने के पीछे लग। मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि पाकिस्तान को अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से भारत में डेवलपमेंट होते रहेंगे, कश्मीर जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होते रहेंगे, और एक डेवलपमेंट पे कम से कम 1,000 पाकिस्तान तो हार्ट अटैक से मर ही जाएंगे। तो सोचो भारत में जितना डेवलपमेंट होगा उतने 1,000 पाकिस्तानी हार्ट अटैक से चिल्ला चिल्ला के बौखला बौखला के अपना सर पटक पटक के वहीं मर जाएंगे, उसके साथ जंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी इन बच्चों के दिमाग में जो जहर भरा जा रहा है बचपन से ही, और जो वो पाकिस्तानी महिला उछल रही थी कि ऐसे वो सब के सब झूठ है, सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, भारत की मीडिया पर दिखाया जा रहा है ताकि इंटरनेशनल लेवल पर अपनी छवि अच्छा बनाया जा सके। मतलब आटा नहीं मिल रहा है, पैसे की कमी है, भूखमरी है पाकिस्तान में, लेकिन सोच देखो जिहाद अभी भी इनके नस नस में भरा हुआ है। समझ में नहीं आता है कि इनका होगा क्या। आपका इन पर क्या प्रतिक्रिया, नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।